हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय शुभम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं जो है बहुत दिनों से जो है वेडलेस के बारे में वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा जो है एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं रायपुर में रह रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो मैं जो है एक से डेढ़ महीना से भी ज़्यादा हो गया है मैं वर्कआउट वगैरह कुछ कर नहीं पाता था एंड उसके साथ साथ जो है डाइटिंग की तो वाट ही लग गई थी क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑयली फूड वहाँ पर जो है रायपुर में ज़्यादा बनता है तो उसकी वजह से जो है उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता क्योंकि मजबूरी ही थी। तो इसी वजह से मेरा जो है वेट जो है अभी 3 से 3.5 kg जो है गेन हो गया है 2 महीने में मतलब लगभग। तो बेसिकली ये जो है मैं आपको जो है सच्ची बातें ही जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि मेरे साथ जो है इंसिडेंट जो है मेरे साथ हो चुका है। तो अभी जो है कि वेडलेस जो है फिर से करने की जो है कोशिश लगी हुई है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने दिन या फिर कितने महीने लगे मुझे जो है 3 kg वेडलेस जो है करने के लिए। तो इसके बारे में डिटेल्स आपके साथ जो है मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या कुछ डाइटिंग वगैरह फिर से करना पड़ा स्टार्टिंग में, इसके सभी डिटेल्स आपको जो है दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड, इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप अगर डाइटिंग कीजिए या फिर उसके साथ आप अगर वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी आप अगर करते हैं तो उसको जो है ऐसे छोड़ देंगे तो फिर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट जो है दिखाना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है इस जो डाइटिंग मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं तो उसको जो है आपको डेली रूटीन में जो है आपको वो ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यही है कि सुबह हो या फिर शाम हो आपको एक टाइम में जो है एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उसको अगर छोड़ देंगे तो फिर जो है वो वेट जो है आपका फिर से गेन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो जो आपका जो बॉडी है वो एडप्ट कर चुका था वो एक्सरसाइज को एंड वो जो खाना को। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि जो है मेरा वेट जो है वो 3 से 3.5 kg जो है वो फिर से गेन हो गया। तो इसका मतलब यही है कि आपको जो भी चीज़ आपको करना है वो एक मैनर में आपको करना है, इसको अगर आप छोड़ देंगे तो जो है फिर से वो वेट गेन होने की जो है समस्या आपको साथ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम जो भी कुछ जो करने की सोचते हैं वो जो है दूसरे के लोगों से ज़्यादा हम जो है प्रभावित होते हैं। तो ये अभी एक जो है ट्रेंडिंग हो गया है कि जो है मुझे वेडलेस अगर करना है तो उसको बोलोगे कि नहीं क्या क्या मुझे डाइटिंग वगैरह क्या करनी होगी, क्या क्या अवॉइड करना होगा। हाँ, तो वो जो है वो पर्सन जो है आपको बता देता है कि ऐसा ऐसा करके डाइट प्लान दे देगा वो एंड आपको जो है इस तरीके से आपको वेट जो है आपको वेडलेस हो जाएगा इतने महीने में, ऐसा वैसा करके आपको बोल देगा। तो वो सही बात है लेकिन उसके बाद जो है आपको जो है बोला जाएगा कि जो है 1 महीने में वेडलेस हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। तो ये नहीं होता है, मैं ये आपको नहीं बोल रहे हैं, वो होता है लेकिन आपको अगर खुद उस फील्ड में अगर आप अगर नहीं जा रहे हो एंड खुद जो वो जो डाइटिंग वगैरह है खुद वो उसको फॉलो करोगे तो आपको तभी जो है कि आपको एक रियलाइज होगा या फिर जो है प्रैक्टिकली आप उसको जान सकते हैं कि वो सच्ची में ये जो है वेडलेस इतना इजी हो सकता है या फिर इतने महीने में आप हो जाएगा। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो है वो कितना टाइम लगता है उसमें। किसी ने अगर बोल दिया कि इतने दिन में वेडलेस होगा या फिर, तो वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं बार बार आपको मेरे जो पिछले वीडियो भी आप अगर देखोगे तो बोलता हूँ कि सबकी जो बॉडी टाइप जो होती है वो अलग अलग से होती है। तो एक ही डाइट प्लान जो है सभी पर्सन में जो है वो अप्लाइड कभी भी नहीं होती। कोई भी आपको अगर बोल रहा है तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी टाइप भी सबकी जो है वो अलग अलग है। तो एक ही डाइट प्लान में सबका वेडलेस कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। तो ये ऐसा जो है कि पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारी एक प्रोफेसर मैडम है तो हमेशा वो बोलते हैं कि कुछ एफर्ट्स उसमें डालो। तो वो सही ही बोलती हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि खुद हम अगर कुछ एफर्ट्स वगैरह अगर नहीं लगाएंगे तो हमको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। अभी एक जो है कि वेडलेस के बारे में अगर आप अगर सर्च करेंगे तो यूट्यूब में हो या फिर गूगल पे हो, आपको बहुत सारे जो है आपको वेडलेस की जो है कि जर्नी की जो स्टोरी वगैरह जो है डाइट प्लान आपको मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उसके में आपको जो है कुछ
अगर आपको जो है अपने हिसाब से कुछ जो वेटलेस के जो डाइट वगैरह जो है अपने हिसाब से उसको जो है कोई सारे को जो है लिख के एक हिसाब से एक एक करके जो है एक्सपेरिमेंटली आपको जो है कुछ खुद कुछ एफर्ट्स लगा के जो है आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप खुद कुछ एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो आपको एक एक्सपीरियंस जो है वो आप जो है कि गेन नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में होता क्या है। लोगों की बात जो है वो लोगों के बात जो सुनना भी सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन जो है कि किन किन लोगों ने जो है वेटलेस वगैरह किए हैं उनके जो सारे जितने भी लोगों से आप जो है मिल सकते हैं उनके साथ जो है इंटरेक्शन आप जो है कीजिए कि क्या होता है, कौन सा फूड खाने में कितना मतलब कि कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए, वो सभी जो एक्सरसाइज वगैरह जो है क्या क्या करती थी आप, तो इसके बारे में जो है एक प्रॉपर नॉलेज आप जो है आपको मिल पाएगा कि एक्चुअल में वो क्या क्या होता है। आपको जो है एक रिसर्च टाइप का करना है कि कितने कितने लोग जो है वो वेटलेस वगैरह किए हैं कौन कौन से, तो उनसे जो है बातचीत करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन जो भी नॉलेज आपको मिले वो सारे आपको जो है लिख लेना है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है अपने हिसाब से एक जो है कि डाइट प्लान या फिर बोल सकते हैं एक जो है एक्सरसाइज वर्कआउट की जो रूटीन है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आपको जो है वर्कआउट के जो है मालूम चल जाएगा कि क्या क्या वो वेटलेस के जो वर्कआउट एक्सरसाइज है, आपको एक प्रॉपर नॉलेज जो है वो आपको एक्सपेरिमेंटली आपको जो है वो मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए कि आप खुद कुछ एक जो है कि इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ ढूंढ ढूंढ के अगर मिलता है ना तो वो मतलब कि बहुत ही अच्छा होता है। तो क्या होता है कि हम जो है दूसरे की नॉलेज जो भी एक बोल दिया तो उसको जो है हम सच्ची मान लेते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो सच्ची है या फिर झूठ है, तो उसको जो है खुद उसके जो है हमें अप्लाई करना पड़ेगा या फिर जो है 3-4 ऐसे लोगों से आपको मिलना पड़ेगा कि जो उसके बारे में उसका जो है वो थॉट क्या है वो आपको जो है जानना होगा। एंड ये नॉलेज जो होता है ये हमेशा जो है कि वेरिएबल होता है, एक जो है कंस्टेंट नॉलेज आपको जो है वो कभी नहीं मिल पाता है, उसके जो है चेंजेस होते ही जाते हैं। कुछ दूसरे पर्सन से मिले तो उसको जो उस नॉलेज के ऊपर उसका जो थॉट है वो अलग होगा, आपके हिसाब से वो अलग होगा, लेकिन ये सही है कि आप जो है दूसरे किसी पर्सन की जो थॉट्स को जो है आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन खुद के जो थॉट्स हैं उसको तो हम जो है चेंज कर सकते हैं ना, अपना थॉट्स को जो है हम जो है चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको कि नहीं इसमें जो है ये गलत बोला ये सही है, ऐसे करके जो है हम जो है वो एक मॉडिफिकेशन हम जो है हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा इस जो वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको जो है वेटलेस अगर करना है तो आपको जो है कुछ जो है कि इन्फॉर्मेशन आपको जो है कलेक्ट करना होगा, एंड इसी जो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जो है आप जो है वेटलेस जर्नी जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड उसके साथ ही साथ जो है आपको कुछ नया जो है कि ट्राई करने को मिलेगा आपको, क्योंकि जो है डाइट प्लान में जो है कि बहुत सारे डाइट प्लान आप देखे होंगे कि अलग अलग टाइप का होता है, तो आपको उस डाइट प्लान में से आपको कुछ जो घर में आप जो है बनाकर आप जो है खा सकते हैं या फिर कुछ जो चेंजेस उसमें कर सकते हैं, तो होममेड फूड टाइप का जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो उसी हिसाब से जो है आप अपना जर्नी जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेटलेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक स्लो प्रोसेस है, कभी भी जल्दी जल्दी करके मुझे इतने दिन में इतने महीनों में मुझे इतना वेटलेस करना है एक मतलब कि ये अच्छा नहीं होता है, हो जाता है लेकिन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपको जो है एक हेल्दी वेटलेस अगर आपको करना हो तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, एंड जो टाइम जो है वो लोगों के पास अभी नहीं है, तो लोगों की प्रॉब्लम यही है कि जो है कि जल्दी जल्दी हमें जो भी करना है हमें जो है शॉर्टकट चाहिए, तो ये एक बहुत बुरी बात है। आप एक बात सोचिए कि आप कितने सालों से आपका जो वेट है वो बढ़ा हुआ है, तो उस उतने सालों का जो वेट है जो मान लीजिए आप जो फैट है तो उसको जो है हम कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में जो है कैसे ख़त्म कर सकते हैं, टाइम तो लगेगा ना, वही बात को जो है वो लोग जो है अभी सोच नहीं पाते हैं, हमें जल्दी जल्दी करना है जल्दी वेटलेस करना है, इतने दिन में मतलब कि मान लीजिए कुछ फैमिली फंक्शन है तो इतने दिन में मैं कैसे वेटलेस करूँ, तो हो जाता है लेकिन ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो है धीरे धीरे करके प्रोसेस में जो आपको जो बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो जल्दी से आपको वो बेनिफिट कभी भी नहीं मिल पाएगा,
ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। तो फ्रेंड्स अभी क्या है कि मेरा ज़्यादा तो फ्रेंड्स अभी क्या है कि पढ़ाई की वजह से जो है मैं जो है कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं इस यूट्यूब में जो है वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगता हूं। लेकिन ट्राई कर रहा हूं कि कुछ जो एक हफ्ते या फिर दो हफ्ते में एक दो वीडियो जो है मैं आपको बना लूँ। एंड उसके साथ साथ मैंने आपको बोला था कि जो वेटलेस ड्रिंक करके जो मैजिकल ड्रिंक होता है उसको भी जो है मैं आपको कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो है कि टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा, तो इसीलिए मतलब वीडियो ज़्यादा मैं मतलब बना नहीं पा रहा हूं। तो देखते हैं फिर भी जो है कि थोड़ा जो है कि टाइम निकाल के जो है मैं वीडियो डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा।